वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर टू स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और हमारे टॉपिक का नाम है, हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है। एनालिसिस कौन सा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एनालिसिस होते क्या हैं। हमारे पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं हमारा कंपाउंड होता है। हमारे कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स हैं उसको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करना वो एनालिसिस हमारा क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है, फर्स्ट टाइम हमारे पास H2O, तो इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन ये हमारी क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं इनकी वजह से, जिनके रिएक्शन की वजह से हमारा कंपाउंड बना है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो उसमें कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो ये हमारा क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मीन्स हमने देखा है कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और डिटेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम क्वांटिटी देखते हैं, मीन्स डिटेक्शन ऑफ अमाउंट और परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड में हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसकी अमाउंट और परसेंटेज डिटेक्ट करना वो क्या कहलाता है हमारा, वो एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मीन्स हम क्वांटिटी बताते हैं। अब हमारा कंपाउंड है H2O, इसके एक मोल में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितनी है, 16 ग्राम है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी डिटेक्शन हमारी क्या कहलाती है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, अब इसके एक मोल में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास सोडियम कितना है, Na 23 ग्राम, और क्लोरीन कितना है, 35.5 ग्राम। तो ये हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, बेसिकली हम बताते हैं कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं इनकी वजह से हमारा कंपाउंड बना है। लाइक हम पानी का ले लें, वाटर का ले लें, H2O हमारा जो कंपाउंड है उसमें कौन से एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, उसमें कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन। और नेक्स्ट हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखा, मीन्स हम उस एलिमेंट्स की परसेंटेज अमाउंट क्वांटिटी बताते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एग्जांपल हमने देखे, वाटर के एक मोल में हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन 2 ग्राम होती है और ऑक्सीजन 16 ग्राम होती है। नेक्स्ट है जी हमारा सोडियम क्लोराइड, उसके एक मोल में सोडियम होता है 23 ग्राम और क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो हमारा सेकंड एनालिसिस है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं ऑब्टेनिंग सैंपल, ठीक है, कि हमारा सैंपल कौन सा है। तो एग्जाम्पल अगर देखें, पानी की देखें, वाटर है, हमने सैंपल ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर हमने सेपरेट किया अपने एलिमेंट्स को जिनकी वजह से हमारा कंपाउंड बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बनता है, H2O means water। Next हमने क्या करना है, step 3, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। अब हमने देखना है हमारा जो एक मोल है उसमें H2O कितना है, 18 ग्राम है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस कितनी है, 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितनी है, 16 ग्राम है। अब हमने परसेंटेज की बात की थी कि एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स में परसेंटेज बताते हैं, तो हाइड्रोजन की कितनी है, हम क्या करेंगे, जो इसका गिवन मास है 2 मोलर मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आएगी हमारे पास, हाइड्रोजन कितनी है, 11.11, ऑक्सीजन कितनी है, 18.89। ये क्या है, इसका गिवन मास है, ठीक है, और ये क्या है, मोलर मास है हमारा पानी का। नेक्स्ट है जी स्टेप 4, आप कंक्लूजन करते हैं। तो कंक्लूजन हमारी क्या आई है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका कितना है, 88.89, और हाइड्रोजन क्या आई है, 11.11। तो क्या मतलब कि हमारी जो ऑक्सीजन है इज़ ऑलमोस्ट 8 times लार्जर इन अमाउंट देन हाइड्रोजन। हमारी जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से कितनी है, 8 times लार्जर पाई जाती है। ये हमने एनालिसिस किया क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, मींस क्वांटिटी बताई है कि जो हमारा कंपाउंड कौन सा है, वाटर है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन से 8 times ग्रेटर हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। ये हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाल लिया अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, उसके एग्जांपल देख ली, ठीक है, हमारे अगर कंपाउंड हो तो उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लिया कि हमारा हम क्या करते हैं, हमारे कंपाउंड्स में एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, वो बताते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कितनी अमाउंट में पाए जाते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है एलिमेंट्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड की क्वांटिटी क्या है, वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताते हैं। एग्जांपल उसकी देख ली, फिर स्टेप्स देख लिए, ठीक है, हम पहले अपना सैंपल लेते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड होता है हमारा वो ले लेते हैं, फिर उसमें एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और फिर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन करते हैं। मतलब क्या है कि अमाउंट बताते हैं, परसेंटेज बताते हैं, और लास्ट में हम कंक्लूजन बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट
कितनी पाया जाता है, कितनी फ़ीसद पाया जाता है और कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।